हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मयंक 1YT गेमिंग। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं फौजी इंडिया से रिलेटेड एक नई न्यूज़। फौजी इंडिया जो कि 26 नवंबर को लॉन्च होने वाला था, जो डिले हो गया किसी वजह से, उसका रजिस्ट्रेशन फौजी इंडिया ने स्टार्ट कर दिया था एनकोर गेम्स ने। और अगर अभी तक आपने उसका अभी तक प्री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो नीचे दिए लिंक पर जाकर आप प्री रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज की न्यूज़ ये है कि जो फौजी इंडिया है उसका एक गेम प्ले वीडियो लीक हुआ है और इस वीडियो का पूरा क्रेडिट जाता है टैग मंत्रा चैनल को। जी हाँ, उनकी डेवलपर से बात होती है और उन्हीं ने एक वीडियो लीक करा है जिसमें लिखा है, जिसमें साफ दिख रहा है टेस्ट यूनिटी, इन्वायरमेंट टेस्ट यूनिटी। इससे ज़्यादा बड़ा कोई प्रूफ हो नहीं सकता, क्योंकि यूनिटी जो है वो गेम डेवलपर है और गेम डेवलपर की अगर कोई टेस्ट वीडियो आपको दिख जाती है तो इसका मतलब ये बिल्कुल सच है और इससे ज़्यादा कोई प्रूफ हो ही नहीं सकता। एनवायरमेंट टेस्ट यूनिटी। चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो में पूरा क्या है। इस वीडियो में फौजी इंडिया का जो फर्स्ट गेम प्ले वीडियो है और ग्राफिक टेस्ट है वो दिखाया गया है। और बहुत सारे चैनल ये दिखाते हैं कि फौजी इंडिया लॉन्च हो गया है और ये हो गया है, ये सारी फेक न्यूज़ हैं। जो आज न्यूज़ लाए हैं, ये टेक मंत्रा ने जो लीक दिया है, ये सबसे बड़ा लीक है। और इस लीक में आप देखेंगे आगे कि फौजी इंडिया में किस तरीके से, देखिए ये रहा फर्स्ट लुक। फर्स्ट लुक में आप देख सकते हैं कितने ही बढ़िया ग्राफिक्स दे रहे हैं ये लोग, और ये FPP ग्राफिक्स हैं। इसमें TPP भी होगा, अगर गेम में होगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। फिलहाल अभी तो FPP ग्राफिक्स हैं, ग्राफिक्स में काफ़ी अच्छी डिटेलिंग है। दरअसल जो फौजी इंडिया गेम है वो एक एक्शन गेम है और जो PUBG है वो एक बैटल रॉयल गेम है, तो वो इन दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसलिए फौजी इंडिया PUBG इंडिया का किसी भी तरीके से कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन लोग इसको कॉम्पिटिटर मान रहे हैं। वो लोगों का मानना गलत है, क्योंकि इसमें बैटल रॉयल नहीं है, इसमें लोग लाइव नहीं खेलेंगे, इसमें मतलब अलग खेला जा सकता है। और ये वीडियो का पूरा क्रेडिट जाता है टैग मंत्रा को। टैग मंत्रा ने ये वीडियो लीक करी है। इन्हें इस वीडियो में काफ़ी हद तक डिटेल बताया जा रहा है किस तरीके से क्या होगा और क्या नहीं होगा। फौजी इंडिया ने डिटेलिंग पे काफ़ी काम किया है, छोटे छोटे घर बनाए हैं, छोटे छोटे हर एक चीज़ को बहुत काफ़ी डिटेल दिया है। इंडिया का फर्स्ट गेम होने वाला है ये, जिसे काफ़ी एक बड़े स्तर पर लॉन्च किया जाएगा। इसलिए फौजी इंडिया एनकोर गेम्स बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए हो सकता है इसमें डिले हुआ है। फिलहाल अगर लॉन्च की बात करी जाए तो ये दिसंबर तक लॉन्च हो जाना चाहिए, मेरा मानना तो यही है। बाकी आप अपनी राय क्या रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।